2018 ये वो वर्ष था जब एलपी की विगत परीक्षा हुई थी, और उस परीक्षा में आपके पास मैं सभी शिफ्टों को मिलाकर वो प्रश्न लेकर आया हूं जिन्होंने 2018 की प्रत्येक शिफ्ट में धमाल मचाया था। तो आज मैं आपको उन प्रश्नों से अवगत कराना चाहता हूं जो 2018 की प्रत्येक शिफ्ट में आए थे, और इस बार 2022 में भी जिनके आने की पूरी पूरी 101% संभावना है, तो भैया नंबर पक्के होंगे। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एलपी 2018 की परीक्षा में भीषण तरीके से पूछे गए थे। तो चलिए यहां पर इन प्रश्नों को करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि के का वह अधिकतम मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, के का अधिकतम वैल्यू कहता है अधिकतम मान। इस चीज को भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं ना जो बच्चा अक्सर गलती करता है, जिससे 6 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या दी है ये 6 से डिवाइड हो। अब संख्या आपके पास क्या दी है, 2, 4, 3 और उसके बाद 1, 2 और के, ये 6 अंकों की संख्या दी है। समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बोलते हुए इस संख्या को हमें आगे देखना है कि ये संख्या 6 से डिवाइड होती है। अब 6 से विभाजकता क्या होती है भाई, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो संख्या 6 से डिवाइड होनी चाहिए, राइट ना। अब 2 से इसमें डिविजिबिलिटी ये होती है कि संख्या की इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, और हमारे पास सारे के सारे सम अंक दिए हैं, तो k की जगह 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये याद रखना है कि यहां पर k का अधिकतम मान पूछ रहा है। अच्छा, अब यहां पर देखो k के सबसे अधिकतम मान क्या है, तो बोले सर k का सबसे अधिकतम मान है 8, तो मैं सबसे पहले यहां 8 रखता हूं और अब डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, क्या ये 3 से कट रहा है, 8, 2, 10, 3 से विभाजकता का नियम, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, 8, 2, 10, 10, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18 और 2, 20, मैया नहीं हो रहा, इसका मतलब 8 तो आपके पास से आंसर नहीं है। अब दूसरी अधिकतम वैल्यू क्या है, 6, तो हमने यहां 6 रख दिया। अब देखो 6, 2, 8, 3, 8, 6, 2, 8, 8, 1, 9 हो जाएगा, तो 9 और 3, 12, 12 और 4, 16, 2, 18, कट गया भाई 3 से, 3 से कट गया, तो अब आगे हमें चेक नहीं करना है, हम ये बोलेंगे कि अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चेक इसलिए नहीं करना था क्योंकि हमें चाहिए था के का अधिकतम मान, और वो के का अधिकतम मान अगर 6 होगा तभी ये पूरी संख्या जो होगी ये किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहां से आपसे कह रहा है 72 से डिवाइड हो जहां के पी के बराबर ना हो, और फिर इसका मान पूछ दिया आपसे, तो जो संख्या है ना उसको लिख लेते हैं, 8, 8, P, 5, 5, डबल पांच का मतलब 2 बार 5 है, फिर 4, 0, 8, 5, 4, 0, 8, 5 और K6। अब ये संख्या डिवाइड होने की बात कही गई है 72 से, किससे, 72 से, और 72 से विभाजकता का नियम होता है कि संख्या अगर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगी तभी वो 72 से डिवाइड होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो नोट करिएगा। 8 से विभाजकता को हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होनी है, ठीक। 9 की भी हमें चेक करनी है, और हमें देखना है कि K और P जो होंगे वो बराबर नहीं होने चाहिए, और फिर हमें चाहिए मान, बात समझना। तो 8 से विभाजकता को हम चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां पर हम 8 की जगह ऐसा, K की जगह ऐसा क्या मान रखें कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए। तो आखिरी के 3 अंकों में 5 है, K है और 6 है, इसको 8 से डिवाइड करके हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो भाई अगर मैं के के स्थान पर 0 रखूंगा तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 6 48, 2 बचेगा, 26 नहीं होगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या 8 से डिवाइड होगा, 8 6 48, 3 बचेगा, यहां पर 36 होगा, नहीं डिवाइड होगा। अगर मैं 2 रखता हूं, 8 6 48, 4 बचेगा, 46 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने 3 रखा, 8 6 48, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या रखा, 3, 8 6 48, 5 बचेगा, 56 बनाएगा, 8 से कटेगा, यानी के का मान संभवतः 3 हो सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, के का मान 3 हो सकता है, इसका मतलब अभी ये नहीं कि काम खत्म हो गया। अब 3 के बाद 4 उसमें और जोड़ते हैं तो 7 बन सकता है, जैसे मैंने यहां पर 4 लिखा, क्या यहां पर अगर 4 लिखेंगे तो 54 हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48 और 54 के बीच का डिफरेंस 6 तो 66 नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हमें पहला अंक मिला है 3, जिसको यहां रखने पर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो अगला अंक क्या होगा, 3 में 4 जोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी अगला अंक होगा 7, क्या होगा, 7, यानी अगर मैं यहां पर 7 रखता हूं तो ये क्या होगा, फिर से ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी संभावना के की जगह 7 होने के भी हो गई, बहुत ध्यान से समझ रहा, यानी हम ये कह सकते हैं, बहुत समझने वाली बात है कि k का मान हो सकता है 3 हो या k का मान हो सकता है 7 हो। अच्छा, हमें मान चाहिए था 3k + 2p का, इस चीज को समझना जरा, किसका मान चाहिए था, 3k + 2p का,
मेरे मित्र, अगर मैं के की जगह 3 या 7 में कुछ भी रखता हूं, तो अगर 3 रखता हूं तो ये 9 बन जाएगा, और अगर मैं 7 रखता हूं तो 21 बन जाएगा। यानी जो भी आंसर होगा वो एटलीस्ट 9 से बड़ा होगा, क्योंकि पी का मान भी इसमें जुड़ेगा। आंसर किससे बड़ा होगा? 9 से बड़ा होगा। 9 से बड़े होने की स्थिति में 7 आंसर नहीं हो सकता। सवाल यहां से कंफर्म हो गया। अब हमें अगली डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है, किसकी? 9 की। मान लीजिए यहां पर 3 या 7 में हम कुछ रखते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत गजब का सवाल है, और ऐसे सवाल एएलपी की परीक्षा में भीषण पूछे गए थे। मैं बार बार कह रहा हूं, के का मान अगर 3 या 7 में कुछ रखा जाए, मान लीजिए मैंने के का मान रख लिया 3, क्या रख लिया? 3। और अब हम चेक करते हैं ये पूरी संख्या क्या अगला जो अंक था 72 में 9 से कटती है कि नहीं कटती है। तो देखते हैं हम, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 5 13, बल्कि हम ऐसे करते हैं 5 5 18 10 और 8 18, ये खत्म, 5 और 4 9, ये खत्म हो जाएगा 8 8 16। तो अगर हम पी का मान 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, पी का मान 2 रखें तो 16 और 2 18, यानी 9 से कटेगा। तब कब? जब हमने के का मान क्या रखा है? 3। तो के का मान अगर हम 3 रखेंगे यहां पर तो 9 मिलेगा, और पी का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 9 प्लस 4 13। क्या इससे उत्तर मिल रहा है? 13 कहीं लिखा है ऑप्शन? बोले यस सर लिखा है, तो इसका मतलब आपका जवाब ये हो जाएगा, बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं। एक लाइन, अब 7 को मत चेक करो, कोई जरूरत नहीं है 7 को रख के चेक करने की, क्योंकि अगर रख के चेक करोगे तो आगे टाइम ही वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तरीकों को, इसका न्यूनतम मान चाहिए, यानी कि इसकी स्टार की जगह का न्यूनतम मान चाहिए, कि ये जो संख्या है ना ये किससे डिवाइड हो? 11 से। तो संख्या को लिखते हैं 8 2 1 7 8 3 4 2, और स्टार की जगह मैंने x लिख लिया, और उसके बाद 5 2। ये नंबर 11 से विभाजित होना चाहिए। अब 11 से विभाजकता का नियम आप सभी को पता होगा कि अंकों को अल्टरनेटली देखते हैं, तो 2 और 5 का अंतर क्या मिलेगा? 2 में से 5 -3, x में से 2 घटाएंगे तो x माइनस 2 होगा, राइट? यहां पर सबके बीच में प्लस लगाते चलेंगे, फिर x में से 2 घटा लिया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 8 में से 7 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1, और यहां पर कुछ नहीं लिखा है, 0 लिखा है, तो 8 में से 0 घटाने पर आपके पास 8 ही रहेगा। अब इन सभी का योग या तो 11 हो, या तो 0 हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो, यही तो बात होती है। जो सॉल्व हो सकता है, देखो +1 से -1 का काम खत्म हो गया, 8 और 1 9, 9 में से 2 माइनस कर लेंगे 7, 7 में से 3 और माइनस कर लेंगे 4, यानी कि एक्स +4 बराबर, अगर हम 0 रखें या फिर 11 रखें या फिर और कोई नंबर रखें, 11 का मल्टीपल हो तो उससे काम बनेगा। तो हम ये समझ पाते हैं कि अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान -4 आएगा, और संख्या के बीच में माइनस लिखना संभव नहीं है, तो हमने x का मान क्या रख लिया? 11। अब x का मान 11 रखेंगे तो घट के अपने पास क्या आ जाएगा? 7। यानी हम ये कहेंगे कि x का मान जब 7 होगा तो ये पूरी संख्या जो होगी वो 11 से डिवाइड होगी। ये वो सवाल है जो प्रीवियसली पूछे गए हर एक शिफ्ट में, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं, एक्स वाई जेड 3 धनात्मक विषम संख्या है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बच्चा मिस करता है। इस प्रकार है कि वाई माइनस जेड बराबर वाई माइनस एक्स 2 है, जेड माइनस वाई 3 है, तो एक्स प्लस जेड किससे विभाजित नहीं है? अब एक चीज को देखना है, वाई माइनस एक्स बराबर 2 लिखा है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई यहां से कि वाई जो होगा वो एक्स से बड़ा होगा और विषम संख्या है। दूसरा पॉइंट अपने पास लिखा था जेड माइनस वाई जो है ये भी 2 लिखा था, तो एक और बात कंफर्म हो रही है कि जेड जो है वो वाई से बड़ा होगा, और अगर जेड वाई से बड़ा है, वाई एक्स से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेड होगा वो एक्स से तो बड़ा होगा ही होगा। अब बात आती है कि संख्या क्या रखें। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मैं वाई को 5 मान लूं, एक्स को 3 मान लूं, तो अंतर 2 आ जाएगा, दोनों विषम संख्या है। अब आपने वाई को तो 5 मान ही लिया है, तो किसमें से 5 को घटाएंगे कि 2 आना चाहिए? तो आप बोलोगे 7 होगा। एक बात साइज समझ में आ गई कि z का मान हो गया 7, y का मान हो गया 5, x का मान हो गया 3। आपसे कहता है x plus z, x plus z का मतलब 7 plus 3, यानी कि 10। ये किससे डिवाइड नहीं होगी? तो 10 2.5 से भी डिवाइड होता है, 10 5 से भी डिवाइड होता है, 10 10 से भी डिवाइड होगा, 10 किससे डिवाइड नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी 14 से डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ इतना सा सवाल था, याद ये रखते हुए कि ये y x y z जो है ना ये सारी की सारी विषम संख्या है। अगला सवाल, ए प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए 8 अंक की संख्या ये 15 से डिवाइड हो जाए। तो 8 अंक की संख्या जो है उसको लिखते हैं 4 5 2 3, 4 5 2 3 ए, और उसके बाद है 6 0 बी। ये 8 अंकों की संख्या है, ये संख्या 15 से विभाजित होनी है,
और 15 से विभाजकता का मतलब ये संख्या 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो हम ये कहेंगे ये संख्या 5 से विभाजित है। अब सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं, 5 से विभाजकता क्या होती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 या 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित होती है। यानी b की जगह क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। लेकिन हमें एक पॉइंट क्या याद रखना है कि अधिकतम मान चाहिए। a प्लस बी का अधिकतम मान कब निकलेगा, a प्लस बी का अधिकतम मान तब निकलेगा जब a भी मैक्सिमम हो और b भी मैक्सिमम हो, है ना। तो b का अधिकतम मान यहां पर रखना है, तो 0 और 5 में b का अधिकतम मान होगा 5। b की जगह 5 रखने के बाद अब हमें चाहिए a का मान, बहुत ध्यान से समझना। तो b की जगह 5 रख लिया और अब a का मान चाहिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी भी आगे लगानी। 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21 और 4 25। 25 में ऐसा क्या ऐड कर दें अधिकतम मैक्सिमम कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो। तो देखो 25 में आप 2 भी ऐड कर सकते हो, 27 हो जाएगा। 25 में आप 27 के बाद 25 में 5 भी ऐड कर सकते हो, भाई 3 से डिवाइड होगा। 25 में आप 8 भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आप ये कहो 25 में 11 ऐड करके 36 बना ले, तो 11 ऐड नहीं होगा क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट रखनी है। तो a का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, 8। b का मैक्सिमम मान कितना था, 5। अब a प्लस बी का अधिकतम मान चाहिए, तो इसका 8 हो गया, इसका 5 हो गया, 8 और 5 मिलकर कितना हो गया, 13। यानी कि जो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा वो क्या होगा, 13 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोलो ठीक, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्याओं में जोड़ी के अंतिम दो अंक a और b नहीं हो सकते हैं यदि वो 8 और 5 दोनों से डिवाइड हो। संख्या क्या लिखी है, 2 1 0 2 2 ab। कह रहा a और b दिए हुए ऑप्शन में से ऐसे कौन से अंक है जो नहीं हो सकते हैं जब ये 8 और 5 दोनों से डिवाइड हो। भैया 8 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो संख्या है इकाई वाला b, ये या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी ये 5 से डिवाइड होगा। या तो 0 हो या तो 5 हो। 8 और 5 से डिवाइड होने का मतलब ये समझिएगा कि यहां पर सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है। 8 और 5 से डिवाइड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, 5 से नहीं हो रही है तो काम बनेगा। अगर दोनों से नहीं हो रही हो, चाहे वो 8 हो और चाहे 5 हो, उसी को टिक करना है। याद रखना है इस चीज को कि अगर हमने 0 रख लिया, 5 से हो रही है और 8 से अगर नहीं हो रही तो उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, समझना। तो इसका मतलब b की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। तो b की जगह अगर हम देखें, अपने पास सारे ऑप्शन 0 के ही हैं, तो b तो 0 कंफर्म है। अब a की जगह देखते हैं कि a की जगह क्या होगा। a की जगह अपने पास 4 ऑप्शन है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से चेक करो, ये 2 है, 0 है, 8 है, 4 है। भाई इकाई में अगर 0 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से तो डिवाइड होगी ही होगी, बात समझना। कौन से नहीं हो सकते हैं ये बताना है। अगर मैं a की जगह 2 रख लेता हूं, b की जगह 0 रख लेता हूं, और ये वाला नंबर तो पहले से ही सम अंक है, पहले से ही क्या है, सम अंक है, 8 से विभाजकता का नियम होता है, तो हम ये देख पाते हैं कि जो बचे हुए 2 अंक है ना, 20 मिलकर जो हो रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकते। बाकी अगर आप 0 रखोगे, 0 0 हो जाएगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 रखोगे तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 रखोगे तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी a और b अगर हम देखें तो 2 और 0 नहीं होने चाहिए। यानी a का मान 2 नहीं होना चाहिए और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप ये कहेंगे कि 8 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से तो तब भी होगी। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर a इज राइट, करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस वाले प्रश्न पर आते हैं। कहता है 3k plus 2p का मान क्या होगा। ये अभी हम करा चुके हैं क्या, जरा इसको देख लेते हैं। 3k plus 2p वाला, हाँ ये करा चुके हैं, 72 से डिवाइड थी ना, जी हाँ 72 से डिवाइड में ये वाला प्रश्न हो चुका है ऑलरेडी, तो ये रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी अभी मैं इससे पहले आपको करा चुका हूं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, लोवेस्ट कंप्लीट स्क्वायर, जो कि 27 से 54 से और 72 से प्रत्येक से डिवाइड हो। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप 27 का, 54 का या 72 का एलसीएम लेने लगो, ये आपको नहीं करना, ये हो गए तरीके पुराने। अब इन सब का इस्तेमाल करके आंसर निकाल रहे हो तो कोई बहुत तीर नहीं मार रहे हो, सुनना शॉर्टकट क्या है। देखो 27 जो होता है ना वो 9 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, 54 जो होता है वो 9 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 और 3 से होगा। 72 का मतलब ये 9 से होगा, 8 से होगा, मतलब संख्या वो होगी जो कि 9 3 2 8 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले यहां से 2 से डिविजिबिलिटी पकड़ते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी क्या होती है।
इकाई अंक अगर सम संख्या है तो दो से डिवाइड होगी। इकाई अंक सम संख्या इसमें नहीं है, इकाई अंक सम संख्या इसमें नहीं है, दोनों खत्म हो गए। और ये भी याद रखना है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब बचे हमारे पास 1296 और 1156। 9 से डिवाइड होने का मतलब 6, 5, 11 और 2, 13, ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो यही आपके पास उत्तर बन गया कि ये 1296 जो ऐसी संख्या है ना, ये इससे डिवाइड होगी। अब 1296 वर्ग किसका होता है, तो ये 36 का वर्ग होता है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 से 200 के बीच में संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 12 से विभाजित हो। ऐसी स्थिति में 100 से 200 के बीच में हमें पहले तो वो संख्याएं पता हो जाएं जो 12 से डिवाइड होती हैं। तो 12 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 12 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 12 8 96 जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो उसी को मतलब रखना। यहां पर 16 बार दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 8। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 200 के बीच में 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से डिवाइड होंगी। अब उनका योग चाहिए 8ों का, तो 100 के बाद पहली संख्या 108 होती है जो 12 से डिवाइड होती है, और 200 से पहले अगर देखें तो 192 पहली संख्या होती है जो 12 से डिवाइड होती है। अब योग क्या होता है, जब हमें पहला पद और आखिरी पद पता हो तो वो होता है n बाई टू ए प्लस एल, यानी 108 प्लस आखिरी पद 192। और n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, n है यानी कि 8 संख्याएं, तो 8 का आधा यहां पर लिख लेंगे, 8 का आधा हो जाएगा 4। 108 और 192 जोड़ोगे 300, 300 का गुणा करोगे 400 में, 4 में तो 1200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों से करने का आपको एक अंदाजा मिला होगा, और इसी तरीके के छोटे छोटे सेशन जिसमें आपको प्रीवियसली जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और इस वीडियो को, इस क्लास को आपका बेहद प्यार मिलना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।